Have a lovely morning to everyone. My dear students, how are you all? I hope all of you are fine and studying well at home. Today, we are going to start our new unit, Unit 7, Travel. Unit 7, Travel. Chapter 18, Means of Communication. अभी हमने पढ़ा था means of transportation, है ना, हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह transfer हो सकते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे means of communication, हम एक जगह से दूसरे जगह कैसे communicate कर पाते हैं, कैसे हम बात कर पाते हैं, है ना। This is in page number 108, so up in page number 108 everyone. So means of communication, just to think about it, how you communicate with your father, if your mother, your grandpa, your grandma, कैसे आप बात कर सकते हो। कुछ लोग अपने घर से दूर भी रह रहे होंगे ना, अपने village से दूर, है ना, तो कैसे आप कैसे communicate कर पा रहे हैं आप, tell me, कैसे आप communicate कर पा रहे हैं, कैसे उनसे बात कर पा रहे हैं। Yes, very good. मोबाइल फ़ोन, है ना, मोबाइल फ़ोन से आप बात कर पा रहे हो, है ना, आप नंबर डायल करते हो, आपको कम्युनिकेट कर पाते हो, है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो लेट स्टार्ट। आन्या रीच्स होम, हर फादर टेल्स हर टू इनवाइट हर फ्रेंड फॉर देयर बोटिंग ट्रिप। आन्या कॉल्स अप हर फ्रेंड ऑन द फ़ोन। अब आन्या कहाँ पहुँचती है, अपने घर पहुँचती है और वो अपने उसके फादर जो हैं वो ये बोलते हैं कि अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो बोटिंग ट्रिप के लिए। तो आन्या क्या करती है, फ़ोन उठाती है और कॉल करती है अपने फ्रेंड्स को। वी स्पीक, लिसन, रीड आर राइट टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट। वी यूज डिफरेंट वे टू मेक कॉन्टैक्ट। दीज वेज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम क्या करते हैं, वी स्पीक, लिसन, रीड आर राइट टू establish कॉन्टैक्ट। हम क्या करते हैं, किसी को भी अगर कॉन्टैक्ट करना होता है, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने होते हैं, तो हम बोलते हैं, कोई सुनता है, कोई लिखता है और राइट करता है। ये हमारे क्या है, एक establish कॉन्टैक्ट है ना, बोलना, सुनना, लिखना और बताना, सुनना, ये सब, ये चारों हमारे लिसनिंग स्किल, ये चारों हमारे क्या हैं, लैंग्वेज स्किल्स हैं, है ना। कौन कौन से, सुन, स्पीक, लिसन, रीड और राइट, ये चार जो हैं हमारे स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स हैं, जिसके थ्रू हम अपनी बातों को, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं किसी के सामने, है ना। वी यूज़ डिफरेंट वे टू मेक कॉन्टैक्ट। हम किसी दूसरे से, किसी से भी कॉन्टैक्ट करने के लिए डिफरेंट वेज यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है हम किसी को, कोई आपके सामने हो, आप बोल के बता दो, है ना, सामने वाला सुनेगा। हो सकता है आप दूर हो तो मैसेज करके बता दें, तो आप लिख रहे हो, सामने वाला रीड कर रहा है ना। तो हम कोई भी डिफरेंट वे यूज़ कर सकते हैं, और यही सारे वेज जो है क्या कहलाते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं, है ना। पर्सनल कम्युनिकेशन, अब पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेटर्स आर अ मीन्स ऑफ पोस्टल कम्युनिकेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर क्या होता है, पोस्टल कम्युनिकेशन होता है, इसे हमें पोस्ट करना पड़ता है, तुरंत नहीं पहुंच जाता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेटर आर अ मीन्स ऑफ पोस्टल कम्युनिकेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर। अब लेटर भी कई तरह के होते हैं, है ना, कई टाइप्स होते हैं। पोस्ट कार्ड आर कार्ड लाइक लेटर वेयर वी कैन राइट शॉर्ट मैसेज। पोस्ट कार्ड क्या होता है, एक कार्ड की तरह होता है लेटर, जिस पर हम कुछ शॉर्ट मैसेज, छोटे छोटे मैसेज सेंड कर सकते हैं। बहुत बड़ा लेटर नहीं लिख सकते, है ना, कि सब कुछ लिख के हम एक साथ सेंड कर दें। तो हमें ये शॉर्ट मैसेज, छोटा सा मैसेज दे सकते हैं कि कल हमारे घर में ये है, कि इस डेट को, ऑन दिस डेट ऐसा ओकेशन है ना, आप सबको आना है, ऐसा करके छोटा मैसेज दे सकते हैं। एरोग्राम्स आर स्पेशल लेटर्स दैट वी सेंड टू पीपल हु लीव आउटसाइड अवर कंट्री। एरोग्राम्स है, ऐसा लेटर है जो हम अपने दूसरी कंट्रीज़ पर जो लोग रह रहे हैं, हमारे रिलेटिव, नेबरहुड, उनको सेंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरोग्राम्स लेटर का यूज़ करते हैं, है ना। इनलैंड लेटर क्या होता है, इनलैंड लेटर्स आर फोल्डेबल सीट ऑफ कलर्ड पेपर ऑन विच वी कैन राइट लॉन्ग मैसेज। अब शॉर्ट मैसेज के लिए हम पोस्ट कार्ड का यूज़ करते हैं, और जब बड़े मैसेज या बड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखना होगा तो हम कौन सा लेटर यूज़ करेंगे, इनलैंड लेटर, है ना। ये फोल्डेबल सीट की होता है, मतलब इसको हम फोल्ड कर सकते हैं क्योंकि बड़ा है, तो इसलिए उसको हम फोल्ड कर सकते हैं। और कलर्ड पेपर होता है जिस पर हम
एक बड़ा सा मैसेज लिख सकते हैं, है ना। टेलीग्राम्स आर वेरी ब्रीफ मैसेजेस दैट रीच विद इन अ फ्यू आवर्स। टेलीग्राम्स के थ्रू क्या होता है, ब्रीफ मैसेज हम कर सकते हैं और ये कुछ ही समय में फ्यू आवर्स में ही पहुंच जाता है। दे आर नॉट यूज्ड एनीमोर, है ना, अब इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये यू कैन सी हेयर, दिस इज़ लेटर, दिस इज़ पोस्ट कार्ड, दिस इज़ एरोग्राम्स एंड दिस इज़ इनलैंड लेटर। टुडे वी यूज़ द स्पीड पोस्ट आर कुरियर सर्विस टू सेंड अर्जेंट लेटर। अब हम आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्पीड पोस्ट और कुरियर का, है ना, जो हमें जब हमें अर्जेंट लेटर सेंड करना होता है ना। सो आपको क्या करना है, दिस इज़ योर टुडेज़ असाइनमेंट। आपको डिफरेंट टाइप्स के जो लेटर हैं, है ना, पहले लिखना है लेटर, व्हाट इज़ लेटर, तो लेटर आर अ मीन्स ऑफ पोस्टल कम्युनिकेशन, ओके, एंड राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर। तो डिफरेंट टाइप्स आपको लेटर लिखना है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम्स, इनलैंड लेटर, टेलीग्राम लेटर, ठीक है ना। आपको सिर्फ नेम मैंशन करने हैं, ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। पोस्ट कार्ड लिखना है, एरोग्राम्स लिखना है, इनलैंड लेटर लिखना है और टेलीग्राम लिखना है। दिस इज़ योर टुडेज़ असाइनमेंट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।